जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे, देखो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो ए वेक्टर लेते थे और दूसरा बी वेक्टर लेते थे और उनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट कराते थे, तो वो किसके इक्वल होती थी बच्चों? पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल होता था कॉस थीटा उसके कॉस के। और यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं आती थी, देखो यहां दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो स्केलर होता है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो स्केलर होता है, एंगल तो बेटा होते ही आपके स्केलर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते थे तो हमें यहाँ पर आंसर कैसा मिलता था बच्चों? स्केलर आंसर मिलता था, यानी विदाउट डायरेक्शन। लेकिन जब हम यहाँ देखो दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच के एंगल का साइन, लेकिन साथ में यहाँ पे डायरेक्शन आती है।